Hello Bachcho! Let's read the question. The question says an achromatic convergent doublet of two lenses in contact has power of plus 2 diopter. The convex lens has a power of plus 5 diopter. What is the ratio of the dispersive powers of the convergent and divergent lenses? Option number 1, 2 is to 5. Option number 2, 3 is to 5. Option number 3, 5 is to 2. Option number 4, 5 is to 3. तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है बोल रहा है कि देर इज अ डबलेट ऑफ टू लेंसेज एक कन्वर्जेंट लेंस है और एक डाइवर्जेंट लेंस है और हमें क्या पता है कन्वर्जिंग लेंस होता है कन्वेक्स लेंस so, ये हमारा एक हो गया कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जेंट लेंस होता है और डाइवर्जेंट लेंस क्या होता है कॉन केब लेंस तो ये हो गया हमारा कॉन लेंस एंड दिस इज अ ड्यूपलेट तो ये एक ड्यूपलेट है और क्या कहा जा रहा है कि ड्यूपलेट का जो पावर है दैट इज टू ड्योपटर So, हम लोग बोल सकते हैं कि पावर ऑफ द ड्यूप्लेट इज इक्वल टू टू गिवन है कि द लेंस हैज अ पावर ऑफ प्लस फाइव डिओप्टर हम लोग अगर मान लेते हैं ये हमारे पास लेंस वन है एल वन और ये लेंस टू है एल टू तो लेंस वन का पावर पी वन है हमारे पास फाइव डिओप्टर और लेंस टू का पावर हम लोग पी टू बोल देते हैं फोकल लेंथ ऑफ फर्स्ट लेंस को हम लोग एफ वन बोल देते हैं और फोकल लेंथ ऑफ सेकेंड लेंस को हम लोग एफ टू बोल देते हैं So, हमसे कहा जा रहा है वट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट लेंस यानी हमें क्या फाइंड करना वी नीड टू फाइंड चलिए हम लोग सबसे पहले की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम लोग देखेंगे नंबर वन इज नेट पावर अब देखिए मान लेते हैं हमारे पास दो लेंस है जो कि कॉन्टैक्ट में है ये कुछ ऐसा हम लोग मान लेते हैं दिस इज दी फर्स्ट लेंस एंड दिस इज दी सेकेंड लेंस कोई भी लेंस हो सकता है ऐसे तो so, ये हमारा फर्स्ट लेंस है और ये हमारा सेकेंड लेंस है सो so, अगर फर्स्ट लेंस का पावर पी वन हुआ और सेकेंड लेंस का पावर पी टू हुआ तो हम लोग बोलेंगे पी नेट विल बी इक्वल्स टू पी वन प्लस पी टू दिस इज द फर्स्ट की दैट वी विल बी रिक्वायरिंग और हम लोग क्या जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है वन बाय फोकल लेंथ और फोकल लेंथ को जब मीटर में रखता है इट इक्वल टू हंड्रेड बाई फोकल लेंथ जब फोकल लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में रखते हैं और देखिये नेक्स्ट हम लोग जो सेकेंड कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट इज रिलेशन बिटवीन डिस्पर्जिव पावर्स एंड फोकल लेंथ देखिए व्हाट इज द रिलेशन डिस्पर्जिव पावर का जो रेशियो होता है विच इज ओमेगा वन बाई ओमेगा टू

तो देखिए वन प्लस पी हमारे पास आना चाहिए टू डिओप्टर के बराबर P1 हमारे पास क्या गिवन है P1 वन इज गिवन टू बी यहाँ से देखिए फाइव डी ऑप्टर गिवन था हमारा ये देखिए फाइव तो यहां से हम लोग क्या बोलेंगे फाइव डी ऑप्टर प्लस पी टू इज इक्वल टू टू डिओप्टर यहां से हमें क्या मिल जाएगा P2 टू इज इक्वल टू टू माइनस ऑफ फाइव डी ऑप्टर तो यहां से, मिल, P2 तो यहां से मिल गया पी टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ थ्री डी ऑप्टर So, देखिये पी टू हमें मिल गया माइनस ऑफ थ्री डिओप्टा और पी वन हमारे पास था फाइव डिओप्टा हमें क्या था पता पी वन इज इक्वल टू फाइव डीओप्टा वी नीड टू फाइंड दी फोकल लेंथ अब फोकल लेंथ कैसे फाइंड करेंगे देखिए हमें पता है कि वन बाई फोकल लेंथ इन मीटर्स इज इक्वल टू होता है पावर के बराबर सो so, यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पावर पहले पी वन के लिए फाइंड कर सकते हैं सो फाइव मस्ट बी इक्वल टू वन बाई फोकल लेंथ इन मीटर और सेंटीमीटर के लिए हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं कि फाइव डिओप्टर यहां भी लिख लेते हैं इज़ इक्वल टू फोकल फोकल लेंथ इन सेंटीमीटर और पहला के लिए हम लोग so, F1 पास क्या आ जाएगा? 100 5 so, मिल गया एफ वन इज इक्वल टू फाइव वन टाइम्स इज फाइव एंड फाइव ट्वेंटी हमारे पास आ गया ट्वेंटी सेंटीमीटर सेकंड हम लोग क्या फाइंड करेंगे? विल फाइंड एफ टू सिमिलर वे में हम लोग फाइंड करेंगे कि वन बाई एफ टू इन मीटर्स और वी कैन से फ्रॉम हंड्रेड बाई एफ टू इन सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू पी टू और पी टू हमारे पास क्या है माइनस ऑफ थ्री डिओप्टर तो यहां से क्या मिल जाएगा एफ टू इज इक्वल टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ थ्री सेंटीमीटर

So, यहां से हमें क्या मिल जाएगा देखिए ओमेगा वन बाईगा टू इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो ये बी ट्वेंटी इन थ्री डिवाइडेड बाय हंड्रेड अब देखिए ट्वेंटी एंड टाइम्स इज तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं ओमेगा वन बाय ओमेगा टू इट्स नथिंग बट थ्री बाई फाइव सो फाइनली हम लोग क्या बोल सकते हैं फाइनली वी कैन से फ्रॉम दैट ओमेगा वन इज टू ओमेगा टू इज इक्वल टू थ्री इज टू फाइव और यही हमें फाइंड करने बोला था क्वेश्चन में सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर अब चलिए ऑप्शन चेक करते हैं सो इफ यू चेक द करेक्ट ऑप्शन यहां से देखिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू थ्री टू फाइव सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू आई होप द दल्यूशन इज क्लियर टू यू थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक